है इसको मैं समझ सकता हूं कि मैं कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पार्टी है, वो अपना तय करें। लेकिन ये बात सत्य है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अभी तक अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए, कब करने हैं वो तय करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो अनावश्यक रूप से जो यहां पर आरोप प्रत्यारोप, मैं समझता हूं समय से पहले, जब ना तो माहौल है ना इस तरह की परिस्थिति है, उससे परहेज करना चाहिए। और इसलिए जो कंगना जी को, हमारी पार्टी के प्रत्याशी को बहन बोल करके और उसके बाद फिर गाली देते रहे, तो मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बहन बोला है तो भाई के नाते सम्मान के साथ बात करें, मुद्दों पर बात करें। हम इतना ही कहना, हम मुद्दों के साथ यहां पर हर चर्चा के लिए खड़े हैं, जवाब देने के लिए। और कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जो हास्यास्पद बनी है, जो 15 महीने में सरकार तार तार हो गई है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा काम हो रहा है? सड़कों का काम बंद है, पुलों का काम बंद है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम करके रखे हैं उन कॉन्ट्रैक्टर को पिछले 15 महीने से 16 महीने से जो काम किए हैं उसकी पेमेंट जो है वो बंद की हुई है। और ऐसे में महकमे अगर चल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कुछ लोग कि भी हम बहुत अच्छा चलाते हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, और आप ही लोग कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सरकार की हालत खराब है। हम तो कम बोले हैं, हम तो विपक्ष में हैं, अब तो बोलेंगे भी, और कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो ठीक कैसे हुआ, ठीक कैसे हो रहा है? जब एक बार गलत कह दिया तो वो गलत ही मान करके चलना चाहिए। So would you like to comment anything about the 25 guarantees that Congress has given in its? देखिए, किसी गारंटी पर भरोसा ही नहीं है। गारंटी है तो मोदी जी की है, जो गारंटी देते हैं मोदी जी उस गारंटी को पूरा करते हैं, यानी कि मोदी जी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका ये देखिए, मुझे लगता है कि वो थोड़ा शांत हो जाएं पहले और सारी चीजों को समझ लें। चुनाव अभी शुरू हुआ है, सारी चीजों को इतनी जल्दी में कहने की आवश्यकता नहीं है। 15 महीने से आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, 15 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में आपने फॉर्म भरे थे, 15 महीने के बाद फिर फॉर्म भर रहे हैं। आपने क्या समझ रखा है माता बहनों को, यहां की महिलाओं को, हिमाचल प्रदेश की? कितना जलील करोगे उनको, कितना झूठ बोलोगे उनको? और इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं, अब पर्दा उठ चुका है, बेनकाब हो चुकी है कांग्रेस अपनी गारंटी की वजह से। ना प्रदेश में कोई गारंटी पूरी हुई, ना देश में कोई गारंटी देने की जो बात कही पूरी हो सकती है। मैंने आप आज बात कही है कि देवभूमि कहा है तो देवभूमि की संस्कृति का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर बड़ी बहन कहा है तो बड़ी बहन के प्रति सम्मान का भाव भी रखिए, सिर्फ कहने से बड़ी बहन नहीं होती है, ये मैं कहना चाहता हूँ।